सब्सक्राइब कीजिए टैक्सेशन गुरुजी चैनल को और घंटी बजाइए लेटेस्ट टैक्स अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की डेफिनेशन जो कि बताई गई है सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में, जिसे शॉर्ट में ईसीओ भी कहते हैं। अरे आप लोगों ने कहीं पीसीओ तो नहीं सुना ना, मैंने कहा ईसीओ होता है भाई, ईसीओ। और दोस्तों जो कि हमने अपना लास्ट वीडियो बनाया था ई कॉमर्स के बारे में, अगर आपने वो वीडियो देखा और अगर आपको उसमें कोई डाउट क्रिएट हुआ जैसा कि मैंने कहा था, तो वो आज इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। और अगर आपका वो कोई डाउट क्रिएट नहीं हुआ तो पहले जाके उस वीडियो को देखें और डाउट क्रिएट होने दें। अरे मजाक कर रहा हूं कि डाउट क्रिएट करने के लिए थोड़ी वो वीडियो बनाया था, इसी तरह कह रहा हूं। फिर भी अगर और क्लैरिटी चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में ई कॉमर्स पे और क्लैरिटी भी आ जाएगी, तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका और आप देख रहे हैं टैक्सेशन गुरुजी। तो चलिए दोस्तों आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, देन एक्सप्लोर करेंगे। तो यहां लिखा है सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मींस एनी पर्सन हु ओन्स ऑपरेट्स और मैनेजेस डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब उस पर्सन से है, यानी ईसीओ उस पर्सन को कहेंगे जो कि ई कॉमर्स करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ओन करता है, मैनेज करता है या ऑपरेट करता है। तो दोस्तों अगर हम लोग इस डेफिनेशन को समझने की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले इसमें यूज हुए हुए टर्म्स को समझना होगा, शब्दों को समझना होगा, तो चलिए यही कर लेते हैं। पर्सन क्या होता है? आप जानते हैं कि पर्सन मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 84, और इस क्लॉज में कहा गया है कि इंडिविजुअल, एचओएफ, फर्म, कंपनी, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एओपी, बीओआई, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट सोसाइटी, ट्रस्ट, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन को लेकर इतने सारे लोगों को पर्सन कहा जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी लॉ, ऐसा बोलता है सेक्शन 2 क्लॉज 84 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो अब आगे चलते हैं, अगला शब्द है ओन। अगर डिक्शनरी देखें तो ओन का मतलब अपना, यानी किसी चीज का मालिक होना, और यही सही मतलब है और इतना ही मतलब से हमें भी यहाँ पे मतलब है। अब आगे अगला शब्द है ऑपरेट्स। चलो डिक्शनरी में फिर चलें, वहां से निकला ऑपरेट्स का मतलब चलाना। जैसे हम लोग कहते हैं कि छोटू अंकल चाय की दुकान चलाते हैं, वैसे ही यहाँ भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चलाने की बात की जा रही है। और अब अगला शब्द है मैनेज, यानी कि व्यवस्था, प्रबंध, नियंत्रित करना, या सबसे आसान वर्ड में अगर बोलूं तो संभालना। अगर हम अपने डेली बोलचाल की भाषा पर गौर करें तो ये शब्द ज्यादा स्पेसिफिक नहीं लगेगा, यानी कि जो मैनेज वर्ड है ये ज्यादा स्पेसिफिक नहीं लगेगा। जैसे हम ऐसे भी तो कहते हैं कि चाय की दुकान छोटू अंकल के बड़े भाई की है, लेकिन उसे संभालते हैं छोटू अंकल। मैनेज और ऑपरेट कुछ मिलते जुलते से वर्ड है, तभी तो यहाँ पे बीच में अगर आप देखें इस डेफिनेशन में ऑपरेट्स और मैनेज वर्ड लिखा है, यानी कि और वर्ड लगाया गया है ऑपरेट्स और मैनेज को, मतलब कि इन दोनों को एक जैसा यूज किया जा सकता है। अब आगे लिखा है डिजिटल फैसिलिटी, डिजिटल प्लेटफॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। अब चूंकि यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं ई कॉमर्स की, तो हम ई कॉमर्स की सुविधा बिना किसी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के तो पूरी कर ही नहीं सकते। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स के एग्जांपल दूं, यहाँ पे हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स के एग्जांपल लें कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हम लोग अल्टीमेटली किसे कहेंगे, यानी कि कौन से ऐसे एग्जांपल हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म या डिजिटल प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि कोई टेलीफोन पे कोई सर्विस दी जा रही है, ईमेल के थ्रू दी जा रही है, एसएमएस की सर्विस है, एसएमएस के थ्रू कोई काम किया जा रहा है, वेबसाइट है, ब्लॉग है, व्हाट्सएप है, या एनी अदर लाइक मीडियम्स। और अब अगला टर्म है दोस्तों हमारा इस डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी कि ई कॉमर्स, जिसे हमने अपने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कि ई कॉमर्स एक एक्टिविटी है जिसमें गुड्स या सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू सप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों इतने सारे शब्दों से मिलकर ई कॉमर्स ऑपरेटर की डेफिनेशन तो बन गई, बट ये होती क्या है, या यू कहूं ई कॉमर्स ऑपरेटर कहते किसको हैं? तो अगर हम लोग केवल स्पेसिफिकली इस डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो ईसीओ मतलब हर वो पर्सन जो कि किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्लेटफॉर्म को ऑन करता है, यानी कि उसका मालिक है या ऑपरेट करता है या मैनेज करता है। ई कॉमर्स के लिए एक्टिविटी के लिए, यानी कि उस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ई कॉमर्स की एक्टिविटी की जा रही है। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे कुछ रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि ई कॉमर्स ऑपरेटर अल्टीमेटली किसे कहते होंगे। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं ओला। ओला क्या है? सीरियली हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे
कि जैसे जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि वो पर्सन होना चाहिए, वो ओन ऑपरेट और मैनेज करता होना चाहिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स उस प्लेटफॉर्म पे हो रहा होना चाहिए। तो हम लोग इस तरह से सीरियली पूरा अपना ट्रेल को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि वो पर्टिकुलर पर्सन ई कॉमर्स ऑपरेटर है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ओला का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ओला एक पर्सन की डेफिनेशन को पूरा पक्का पूरा कर देगा, क्योंकि वो कोई कंपनी या फर्म या एलएलपी या इस तरह का ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना रखे होंगे अपना। तो ओला एक कंपनी के थ्रू ऑपरेट की जाती है। अब अगला, ओला का जो ऐप है जिस ऐप के थ्रू हम लोग कैब बुक करते हैं, ओला या उबर आप दोनों ऑप्शन ले सकते हैं। तो ओला के जिस ऐप के थ्रू हम लोग कैब बुक करते हैं वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, जो कि ओला ही ओन करती है और ओला ही उसको ऑपरेट करती है और ओला ही उसको मैनेज करती है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग को अगली बात ये करनी है कि ओला का ऐप करता क्या है। वो ई कॉमर्स की सर्विस देता है। ओला ऐप जो है वो कार ओनर्स को कस्टमर प्रोवाइड करता है और कस्टमर्स को सही जगह पे सही समय पे गाड़ी अवेलेबल कराता है। यानी कि ओला जो ऐप है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कार ओनर को कस्टमर की और कस्टमर को कार्स की। और दोस्तों अगर आपको पुराना टैक्स लॉ यानी कि सर्विस टैक्स याद हो तो सर्विस टैक्स जाते जाते एक डेफिनेशन दे गया था एग्रीगेटर का। तो ये जो ओला का एग्जांपल है ये भी एक ओला जो है वो एक एग्रीगेटर की डेफिनेशन में आता है। फिलहाल यहाँ पे अभी हम लोग एग्रीगेटर की डेफिनेशन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मैं अभी आपके साथ और बातें करूंगा तो उसमें से आपको कुछ एग्रीगेटर के बारे में आप समझ सकते हैं। फिलहाल मैं स्पेसिफिकली आपके साथ यहाँ एग्रीगेटर के बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ। और अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं फ्लिपकार्ट का। तो चलिए इसमें कुछ और बातें भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे अगर आप जानते हो कि फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीद लिया है तो यहाँ पे ओनर वॉलमार्ट भी हुआ और फ्लिपकार्ट भी हुआ। जैसे कि फ्लिपकार्ट की एक कंपनी है जिसको कि फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड है और उस कंपनी को खरीद लिया वॉलमार्ट ने। तो यहाँ पे अगर हम लोग ओनर की बात करें, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा था कि पर्सन हु ओन्स, तो यहाँ पे वॉलमार्ट भी ओन कर रहा है और फ्लिपकार्ट तो खुद फ्लिपकार्ट को ओन कर ही रहा है। तो इस केस में अगर देखें तो ई कॉमर्स ऑपरेटर दोनों हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को ये केस टू केस वेरी करेगा कि हमें क्या जानना है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन हो। तो यहाँ पे हम लोग का इतना ज्यादा अभी झुकाव नहीं है कि हमको यहाँ पे ये निकालना है कि वॉलमार्ट यहाँ पे स्पेसिफिक ई कॉमर्स ऑपरेटर है या फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड ई कॉमर्स ऑपरेटर है। और जो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है उसे तो ऑपरेट और मैनेज फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड ही करती है। तो यहाँ इस केस में दोनों ही ई कॉमर्स ऑपरेटर हुए। खैर वो बात बात की है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि किसे लायबल बनाना है जीएसटी कंप्लायंसेस के लिए। तो इस फ्लिपकार्ट के एग्जांपल में flipkart.com जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसे ओन मैनेज और ऑपरेट करती है और इसके जरिए ई कॉमर्स यानी सप्लाई ऑफ गुड्स की सर्विस प्रोवाइड करती है डिजिटल नेटवर्क यानी इंटरनेट के थ्रू। तो दोस्तों जैसे जैसे हम लोग जीएसटी को और कवर करते जाएंगे हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो कि अगर किसी ने अपनी वेबसाइट बनाई और उस पर अपनी ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो क्या ये ई कॉमर्स हुआ या नहीं हुआ। इस बात का जवाब आपको ई कॉमर्स की डेफिनेशन पढ़कर ही मिल जाएगा कि वहां ऐसा कोई भी डिफरेंस की बात नहीं की जा रही कि वो खुद ओन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए साथ में ई कॉमर्स की भी डेफिनेशन लिख दी है, आप उसे देख सकते हैं और खुद ही डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह की क्या कोई बात कर रहा है कि अगर कोई पर्सन खुद ही अपनी वेबसाइट ओन कर रहा है, उस पर खुद की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या खुद के ब्रांड का गुड्स सेल कर रहा है तो क्या वो ई कॉमर्स तब भी हुआ या नहीं हुआ। और ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर में भी सिचुएशन आती है जब कोई भी पर्सन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का मालिक है और वो उस प्लेटफॉर्म से अपनी ही सर्विसेज या अपने ही गुड्स को प्रोवाइड करता है तो क्या वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हुआ या नहीं हुआ। तो जैसे ओला और उबर अपने प्लेटफॉर्म से अपने ही ब्रांड की सर्विसेज देते हैं बट फ्लिपकार्ट अपने प्लेटफॉर्म से अपने ही ब्रांड के गुड्स नहीं बल्कि एप्पल, सैमसंग और आदि जितने भी ब्रांड्स हैं उन सब ब्रांड्स के गुड्स को बेचता है। तो दोनों बातों में फर्क है कि अपने ही ब्रांड को बेचना और अपने ही ब्रांड को केवल अपने ही ब्रांड को ना बेचना। तो दोस्तों एक बात आपको क्लियर करनी होगी, एज पर द बोथ ऑफ दीज डेफिनेशंस अपने ही ओन गुड्स या अपने ही ओन सर्विसेज को अपने ही प्लेटफॉर्म से सप्लाई करना विल नॉट चेंज एनीथिंग। स्टिल द एक्टिविटी विल बी ई कॉमर्स एंड पर्सन हु ओन्स, मैनेज एंड ऑपरेट्स दैट डिजिटल प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड ई कॉमर्स फैसिलिटी विल बी अ ईसीओ। तो अपने ही ओन यूज के लिए भी वेबसाइट अगर बनाया है तो इस डेफिनेशन के स्कोप में वो जरूर आ जाएगा। तो दोस्तों अब मैं असली बात पे आता हूँ कि पिछले ये 2-3 मिनट से मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ। तो वो इसलिए क्योंकि जब हम लोग सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे जिसमें टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की बात आती है तो बातों को थोड़ा और गहराई से समझना पड़ेगा क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि ईसीओ से बोला गया है कि टैक्स कलेक्ट करने को, बट
कस्टमर सप्लायर और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का डिस्टिंक्ट पर्सन होना जरूरी है एज पर द सेक्शन ऑफ 52। तो जो मैंने कहा कि कोई पर्सन अपनी वेबसाइट से अपनी सर्विसेज दे रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर तो बन गया ईसीओ की डेफिनेशन, यानी कि जो ये डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में, इस डेफिनेशन के हिसाब से वो ईसीओ तो बन गया, बट सेक्शन 52 वाला ईसीओ नहीं बना। लेकिन अगर वहीं जैसा कि ये बड़ी कंपनियां फ्लिपकार्ट जो हैं और जो अदर कंपनियां हैं जैसे वो लोग बिजनेस करती हैं, तो वो लोग इस केस में भी ईसीओ बन जाएंगे। जैसे फ्लिपकार्ट अपने ही वेबसाइट से, जिसकी की ओनर फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड है, अपना ही गुड्स जो कि उनका एक खुद का ब्रांड है बिलियन, अगर आपने सुना हो बिलियन ब्रांड है फ्लिपकार्ट का, वो खुद का गुड्स अपने ही वेबसाइट से बेचते हैं, जिसको खुद ही ओन कर रहे हैं, जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म को उससे खुद का ही गुड्स बेच रहे हैं, तो ईसीओ नहीं बनेगा। बट अगर आप बिलियन प्रोडक्ट के सेलर का नाम देखें तो वहां लिखा रहता है बिलियन प्रोडक्ट का सेलर है WS रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि फ्लिपकार्ट की ही एक सब्सिडियरी कंपनी है। तो इस केस में अब तीनों डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएंगे, जैसे कि कस्टमर तो अलग पर्सन है ही, यहाँ पे जो सप्लायर है वो हो जाएगा WS रिटेल, यानी कि उन गुड्स को जो सेल कर रहा है वो है WS रिटेल, और ECO यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है वो हो जाएगा फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड। और दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के केस में रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में भी अलग प्रोविजंस आते हैं, जैसे कि इनके ऊपर थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं लगती है, इनको हर केस में रजिस्ट्रेशन कराना होता है एंड ऑल दैट, तो ये सारी चीजें भी हम लोग रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में पूरी डिटेल में जरूर जानेंगे। तो दोस्तों इस डेफिनेशन के हिसाब से जैसा कि हम लोगों ने यहां डिटेल में कवर किया, अगर कोई भी पर्सन जिसके पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यानी कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म ओन करता है और उसे ऑपरेट और मैनेज भी करता है, और उसके ऊपर ई कॉमर्स की फैसिलिटी, ई कॉमर्स की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो उस केस में हम लोग उस पर्सन को जिसके की द्वारा वो डिजिटल फैसिलिटी या डिजिटल प्लेटफॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ओन किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है, ऑपरेट किया जा रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कहेंगे। तो दोस्तों ये डेफिनेशन आपको कैसी लगी मुझे लाइक बटन दबा के जरूर बताएं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो, और उसके साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लेके आ रहा हूं, और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी और यूजफुल वीडियो में, आज के लिए यहां तक, यहीं तक, जय हिंद, वंदे मातरम।